जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से हाजिर हूँ। सर्व शिक्षा अभियान जब चला तो एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था कि बासी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो ये बासी रोटी खाएंगे स्कूल जाएंगे, हम कभी सोचे कि भाई स्कूल जाने की बात है, शिक्षा की बात है, विज्ञान कहता है कि बासी रोटी मत खाओ, बासी खाना मत खाओ, तो बासी रोटी खाएंगे स्कूल जाएंगे, हमको ये कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम बासी रोटी के पीछे पड़ गए। इसको थोड़ा हम सर्च किया कि क्या है बासी रोटी। तो बचपन याद आ गई कि बासी रोटी तो बचपन में हमने बहुत खाया है, बीच में चीनी डाला लपेटा या गुड़ डाला लपेटा या मधु डाला लपेटा और पूरा प्रेम से खा के आनंदित होते थे। तो वही बात याद आ गई कि बासी रोटी, वैसे तो बासी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गेहूँ की बनी हुई बासी रोटी की कुछ खासियत है। इतनी खासियत है कि इसको आपको बताना हम जरूरी समझे और आपको भी सुनना जरूरी है, जरूर सुने। जिन भी भाई बंधु को बीपी है, चीनी का बीमारी है, ओवरवेट है, मोटापा बढ़ गया है, शरीर में चर्बी बढ़ गया है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है, शरीर में चर्बी बढ़ गई, चार बात जिनके साथ है, तो ये जरूर पूरा वीडियो देख के समझने की कोशिश कीजिए कि बासी रोटी में कितना दम है। पैसे की दौर में जो पैसे वाले लोग हैं, आप देखिएगा कि उनको बीमारी ज़्यादा होती है। जिनके पास पैसे कम है, जो गरीबी में पल रहे हैं, उनको बीमारी कम होती है। शायद उसका एक कारण ये भी है कि पैसे वाले लोग रात में बची रोटियां सुबह फेंक देते हैं या गली के कुत्तों को जानवरों को खिला देते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है रात में बची रोटी सवेरे नाश्ता में प्रयोग में ले आता है। वो भले न जानता हो कि बासी रोटी में कितनी खासियत है, लेकिन उस खासियत का लाभ उसके शरीर को पहुँच जाता है। जब आप पूरा इसको गूगल सर्च कीजिएगा, आप पूरा डिटेल्स में जाइएगा, बासी रोटी, सिर्फ गेहूं की बनी हुई बासी रोटी, बाकी खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो जिनको भी खाने हैं तो इसको खाना का तरीका समझिए। सवेरे बासी रोटी लें, उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ें और ठंडा दूध उसमें डालें। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध डालें, 5 से 7 मिनट उसको छोड़ दें और आराम से खाएं। ऐसा करने से आपका पेंक्रियाज गजब एक्टिवेट हो जाएगा। पेंक्रियाज के एक्टिवेशन से क्या होगा, अगर 2 से 3 महीने लगातार सुबह नाश्ते में ठंडा दूध बासी रोटी का नाश्ता आप करते हैं तो सर्दिया आप डायबिटिक फ्री हो जाइएगा। ब्लड प्रेशर में भी अद्भुत रूप से काम करता है। ये जितने भी हमारे आर्टरीज में कचरा जमा है उसको ये खोलता है, इसमें ये खूबी है, ये इसको खोलता है, इससे बीपी डाउन होता है। अगर आप जिंदगी में एक बार बीपी की दवा खाने लग गए, डॉक्टर कहेगा खाते रहिए, आपको कारण नहीं बताएगा, सवेरे सो उठकर वो नहीं बताएगा कि ब्लड के गाढ़ा होने के कारण, खून के गाढ़ा होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो नहीं बताना चाहता है डॉक्टर कि उसका बिजनेस का बात है। तो सवेरे सो उठकर खाली पेट 3 से 4 गिलास पानी पिए, बासी रोटी ठंडे दूध के साथ खाए, बीपी ठीक। सवेरे सो के उठे, बासी गेहूँ की रोटी ठंडे दूध के साथ खाए, डायबिटिक ठीक। 3 से 4 महीना खाकर देखो। अगर आप ओवरवेट हो, आपको लगता हो कि चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, जिम करने में दिक्कत है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत है, तो बासी रोटी ठंडे दूध के साथ खाएं, आपका वेट लॉस निश्चित होगा, आपका वजन निश्चित कम होगा, भूख अच्छी लगेगी। तो ये बासी रोटी के गुणकारी महत्व आपको हमने बताया, संभव है, प्रयोग करके देखिए, मज़ेदार बात है और एकदम सटीक सनातनी बात है। तो बासी रोटी खाइए, स्कूल जाइए ना जाइए, स्वस्थ हो जाइए। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।